नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने श्री विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत मेरी बद्रीनाथ यात्रा को एक्सप्लेन करने जा रही हूं। इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से लेखक ने विद्यार्थियों के मन में यानी स्टूडेंट्स के मन में दर्शनीय स्थानों के प्रति इंटरेस्ट जगाने की कोशिश की है। ठीक है, हमारे भारत के चारों दिशाओं में, चाहे वो ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ हो, ओके, सभी जगह कुछ न कुछ दर्शनीय स्थान है जहाँ जिसकी जब आप उन्हें देखेंगे ना चिल्ड्रन, तो आप उनकी सुंदरता में पूरी तरह से डूब जाएंगे, आप उनकी सुंदरता में खो जाएंगे, आप उनकी ब्यूटी में खो जाएंगे। तो और हमें अपने देश की ये हमारे देश की आन बान और शान से परिचित होना बहुत जरूरी है। इसीलिए लेखक ने इस यात्रा वृत्तांत का चयन किया है ताकि स्टूडेंट्स को दर्शनीय स्थानों के बारे में जानकारी मिले और वो दर्शनीय स्थानों के प्रति रुचि यानी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दें। ठीक है, इस यात्रा वृत्तांत को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाता है तो आप मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इसका फायदा हो सके। देखिए, मैं सिर्फ ऐसे ही वीडियो नहीं बनाती हूँ, ठीक है, मेरा मोटो ये है कि स्टूडेंट्स को इससे फायदा हो। ठीक है, तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो भी जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम इस यात्रा वृत्तांत को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। हिमालय इस पर्वत का नाम तो आपने सुना ही होगा। भारत के उत्तर में स्थित ये पर्वत हमारे देश की आन बान और शान है, हमारी और आपकी पहचान है। ठीक है, आप हिमालय की सुरम्य प्रकृति को देखते ही आपका मन उसकी खूबसूरती में इतना डूब जाएगा कि आप अपने आप में एक कवि बन जाएंगे। ओके, यहाँ भारत के कोने कोने से लोग आते हैं। ओके, हिम शिखरों की सुंदरता हमारा मन मोह लेती है। गंगा के अनेक रूप जैसे गरुड़ गंगा, विष्णु गंगा, पांडुकेश्वर मंदिर, शहतूत के वृक्ष, कुबेर शिला आदि दर्शनीय स्थलों के बाद बद्रीनारायण का मंदिर आता है, जहां प्रत्येक जगह जो है ना लेखक अपने साथियों के साथ जाते हैं और उन्हीं सब चीजों के बारे में वो हमें बताते हैं। कभी लेखक कहते हैं कि कालिदास ने हिमालय को नगाधिराज ऐसे ही नहीं कहा है, बहुत सारे रीजन है उसके, बहुत सारे कारण है उसके। नगाधिराज का मतलब है पर्वतों का राजा। ठीक है, सदा बर्फ से ढका रहने वाला यह पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत ही नहीं, सबसे सुंदर पर्वत भी है। इसके गोद में न जाने कितनी उन्मादनी गंगाएं निरंतर ज्योति जगाती रहती हैं। यहाँ के देवदारू और भोजपत्र के वैभवशाली वनों में हिंसक पशुओं के साथ साथ यानी वाइल्ड एनिमल्स के साथ साथ जंगली जानवरों के साथ साथ हिरण भी घूमते रहते हैं। यहाँ जहाँ एक और संसार प्रसिद्ध सिद्धों ने ज्ञान सिद्ध किया है, वहीं तीनों लोक के रूपों की रानी उर्वशी ने भी यही जन्म लिया था। यही हर समय नाना रूप रंग वाले पक्षियों यानी बर्ड्स का कलरव होता रहता है, यानी वो ची 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 की आवाज करते रहते हैं। यही क्षण भर में उतनु शील शिखरों की रजत चोटियां अरुण किरणों का मुकुट पहनकर इंद्रधनुषों का निर्माण करती हैं। ओके, कहने का मतलब ये है कि ये जो पर्वत है ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है और जब उसमें उस पर सूरज की किरणें जब पड़ती हैं ना, तो इंद्रधनुष का निर्माण होता है और उसकी खूबसूरती अपने आप में निराली होती है, जिसको हम शब्दों के द्वारा बयान नहीं कर सकते हैं। ओके, इसलिए चाहे गंगा की खोज हो या विरही यक्ष के दूत को रास्ता दिखाना हो या शिव पार्वती का नृत्य देखना हो,
देवता की आराधना करनी हो या पूजा करनी हो, ओके, हम आप अपने पास्ट में जहां भी जाइए, आप अपने हम अपने देश की हिस्ट्री में अगर हम जाते हैं, ओके, तो हमें ये मालूम होता है कि यहीं पर वो सारी घटनाएं हुई हैं, ओके, मनुष्य हिमालय के कठिन प्रदेशों की यात्रा करता रहा है, और इसलिए जब हमें पिछले यानी लेखक को पिछले मई में एक बार फिर बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला तो लेखक को बहुत और बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। लेखक कहते हैं कि एक बार उन्हें दैट बद्रीनाथ जाने का अवसर मिला, ठीक है, वो सितंबर अक्टूबर महीने में बद्रीनाथ गए थे, लेकिन उस महीने में जाने में उन्हें उतना मजा नहीं आया क्योंकि वो यात्रा का सही समय नहीं है, ठीक है। इस बार लेखक को अपने साथियों के साथ मई महीने यानी मे मंथ में बद्रीनाथ जाने का मौका मिला। लेखक के ग्रुप के साथ यानी लेखक के दल के साथ हर तरह के लोग शामिल थे, उसमें स्त्री और पुरुष थे, बच्चे थे, ओके, व्यापारी और बिजनेसमैन और स्टूडेंट्स थे, ठीक है, हर तरह के लोग उसमें शामिल थे, ठीक है, हर भाषा के बोलने वाले लोग उसमें शामिल थे, ठीक है, लेखक ऐसा हमें बता रहे हैं, ठीक है। फिर लेखक कहते हैं कि बद्रीनाथ जाने के लिए आप पौड़ी होकर जाएं या हरिद्वार, ओके, आप पौड़ी होकर जाएं या हरिद्वार, अब पीपल कोटी तक बस जाती है, यहां से कुल 31 मील का पैदल मार्ग रह जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग यात्रा के नियम के अनुसार पहले केदारनाथ गए, वहां से लौटते हुए बीच में से हम एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गए जो हमें चमोली पहुंचाता था, यहां से पीपल कोटी के लिए बस मिलती है, इसी रास्ते पर केदारनाथ की शीत ऋतु की राजधानी यानी कैपिटल उषी मठ और हिंदुओं का सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ मंदिर तुंगनाथ है। यह रास्ता बहुत ही ज्यादा भयानक है, इसलिए इसका सौंदर्य भी अभी अछूता है, मतलब ये जो रास्ता है ना, लेखक कह रहे हैं कि हिंदुओं का जो सबसे ऊंचे स्थान पर बना हुआ जो मंदिर तुंगनाथ है, वहां पर पहुंचने का रास्ता जो है वो बहुत ही भयावह है यानी बहुत ही डरावना है, इसलिए इसका सौंदर्य भी अभी लोगों से अछूता है, ठीक है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। लेखक फिर कहते हैं कि वे लोग सवेरे प्रतिदिन 3 बजे उठते थे, ओके, सुबह के सारे काम को वो फिनिश करने के बाद समाप्त करने के बाद, ओके, वो 4 बजे तक आगे बढ़ जाते थे। बिजली की रोशनी में जीने वाले लेखक और उनके दोस्त जैसे उस प्रदेश के प्राकृतिक प्रकाश में राहत पाते थे, ऐसा वो लेखक कह रहे हैं, क्योंकि वहां रोशनी नहीं होती थी, वहां रोशनी का मतलब नेचुरल लाइट था, ठीक है, जो यानी सूरज की रोशनी, वो उसी के सहारे जी पाते थे, ओके। लेखक फिर कहते हैं कि वो प्रतिदिन यानी एवरीडे 12 से 18 मील तक पैदल चलते थे, कहीं ऊंचा उठता चला गया पथरीला रास्ता मिलता था, कहीं पत्थरों से भरा हुआ रास्ता उन्हें मिलता था, कहीं उन्हें बहुत बहुत संकरा रास्ता मिलता था, ओके, कहीं पर उन्हें जंगली फूल मिलते थे, कहीं पर उन्हें चहचहाते हुए पक्षी यानी बर्ड मिलते थे, कहीं बहुत तेज धूप होती थी तो कहीं तेज धूप नहीं होती थी, कहीं पर उन्हें शैडो मिलता था, ओके, कहीं बहुत भयंकर ठंड पड़ती थी और कहीं बारिश होती थी, ऐसा लेखक हमें कह रहे हैं, ओके। फिर लेखक कहते हैं कि उन्हें तारकेश्वर की वह 83 इयर्स ओल्ड लेडी याद आती है जिसके मुंह में ना तो दांत थे और वो बहुत कमजोर थी, लेकिन फिर भी वो भी बद्रीनाथ की यात्रा के लिए निकली थी। उसके बाद उन्हें 8 वर्ष की एक प्यारी सी बच्ची संध्या की याद आती है, ओके, जो 200 मील के उस बहुत ही कठिन रास्ते पर पैदल चली, ध्यान से सुनिएगा उसे इसे, उन्हें वो दैट 8 वर्ष की यानी 8 इयर्स की एक छोटी सी बच्ची की याद आती है जो 200 मील पैदल चलती है, बहुत ही कठिन रास्ते पर वो भी चलती है, ओके, देन उसके बाद बंगाली दल की वह छोटी वो लड़की उन्हें वो एक तरुणी उन्हें याद आती है, ओके, जो बोलती थी तो लगता था कि उसकी उसके
उसके मन से, उसके मन से सिर्फ स्नेह दूसरों के लिए छलक रहा है, सिर्फ प्यार दूसरों के लिए उमड़ रहा है। ओके, उसके बाद आंध्र प्रदेश की बहुत सारी लड़कियां उन्हें याद आती हैं, जो टोपी पहनकर बराबर गाना गा रही हैं, और उत्तर प्रदेश का वो बातें बहुत ही बातूनी कर देने वाला बूढ़ा उन्हें याद आता है। ओके, जो अपने पति पुत्र हीना अपनी बेटी का शोक कम करने के लिए उसे यात्रा करवा रहा था। ओके, फिर लेखक कहते हैं कि उन, उन जो दल के लोग उनके साथ थे, उनमें कुछ घोड़े पर बैठे हुए थे, कुछ डांडी पर बैठे हुए थे, कुछ टंडियों पर सवार थे। ओके, लेखक कहते हैं कि उनमें से अधिकांश यात्री पैदल चलना ही ज्यादा पसंद करते हैं। ओके, लेखक अपने दोस्तों के साथ जब यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी। कहीं कहीं उन्होंने देखा कि औरतें हंस हंस के बातें कर रही हैं, कहीं पर उन्होंने बहुत सारे छोटे छोटे गांव देखे, कहीं पर वो सारी चीजों को ना अपने कैमरे में कैद करते जा रहे थे, यानी वो सारी चीजों के फोटोज लेते जा रहे थे। ओके, वो फिर उन्होंने देखा कि कहीं पर लोग कपड़े धो रहे हैं, कहीं पर लोग खाना बना रहे हैं, कहीं पर लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, कहीं पर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं, बट वो लड़ाई झगड़ा जो था वो बहुत ज्यादा टेंशन वाला नहीं था, उसमें भी एक बहुत बड़ा प्यार छुपा हुआ था। तभी जब लेखक आगे बढ़ रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक सज्जन जो है, एक वयोवृद्ध सज्जन यानी एक ओल्ड पर्सन जो है, सडन से सहसा वो चिल्लाने लगते हैं कि देखो मेरे थाई यानी मेरे जांघ पर एक बिच्छू आ गया है। जब लेखक ने मोमबत्ती से देखा तो उन्होंने देखा जब मोमबत्ती उन्होंने जला करके देखा तो उन्होंने उस वृद्ध व्यक्ति के जान यानी थाई पर देखा कि उनका जो चाबी था, वह वृद्ध सज्जन था, वही पॉकेट से बाहर आ गया था और लटक रहा था। तो इन सारी चीजों को लेखक एंजॉय कर रहे थे, उन्हें बहुत मजा भी आ रहा था। ओके, फिर लेखक कहते हैं कि ये सब कथाएं कहाँ तक कही जाएं? उसी मठ होते हुए 29 मई को सवेरे ठीक 4 बजे तुंगनाथ की ओर लेखक और उनके दल के लोग चल देते हैं। 12,080 फुट ऊंचे इस शिखर से हिम शिखरों का जो दृश्य देखने को मिलता है ना, उसकी सुंदरता शब्दों में बयान नहीं की जा सकती है। ओके, उसे शब्दों में बताना बहुत ही मुश्किल है, इतना ज्यादा वहां का नजारा खूबसूरत लगता है। ओके, उसके बाद लेखक कहते हैं कि अब तक एक के बाद एक शिखर स्मित हास्य से लगभग जगमग कर उठा, जैसे अप्सराएं खिलखिला उठी हों। ओके, उनकी इंद्रधनुषी साड़ी हवा में उड़ने लगी हों, बुरांस के फूल झूम झूम कर नाचने लगे थे, पक्षी संगीत करने लगे थे, गंगोत्री जमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ चौखंबा सभी रजत शिखर सूर्य के प्रकाश से चमक रहे थे। चौखंबा तो ऐसा लग रहा था जैसे देवताओं के खेल के मैदान को किसी कुशल चित्रकार ने धवल रंग में लिख दिया हो। ओके, लेखक कहते हैं कि बद्रीनाथ में केदारनाथ की घाटी जैसी सुंदरता नहीं है। ओके, सिर्फ यहाँ अलकनंदा का रूप जाल है जो हमेशा गर्जन करती रहती है और प्रपात बनाती है। ओके, कई जगह बर्फ के प्राकृतिक पुल बन रहे थे और उनके नीचे उधर इधर उधर से धाराएं ऐसे भाग रही थीं जैसे कोई बहुत ही नटखट बालक गुरुजनों के घेरे को तोड़कर शोर मचाते हुए भाग जाता है। ओके, उसी शोर में यात्रियों का शोर मिल गया था क्योंकि अपेक्षाकृत सुगम होने के कारण इस ओर यात्री बहुत आते हैं। ओके, उन्हीं के साथ हम गरुड़ गंगा पहुंचे, यानी लेखक अपने अपने दल के साथ गरुड़ गंगा पहुंच जाते हैं। यहाँ सुना, फिर लेखक कहते हैं कि गरुड़ गंगा में जो स्नान कर लेता है, ओके, उसे सांपों का डर नहीं रहता। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा इसे। ऐसा मानना है कि गरुड़ गंगा में जो नहा लेता है, जो स्नान कर लेता है और ये जो बाथ लेता है, उसे सांपों का डर नहीं रह जाता है। लेकिन लेखक के एक मित्र को यात्रा में नहाना ही उन्हें आवश्यक, वो यात्रा जब वो मतलब वो जब केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा में लेखक के साथ निकले थे तो उन कि दल का एक आदमी ऐसा भी था जो नहाना नहीं चाहता था क्योंकि उसे बहुत ठंड लगती थी।
ओके, फिर इस यात्रा में हर कहीं पानी रक्त को जमा देता था, यानी बहुत ही ज्यादा ठंड लोगों को लगती थी। ओके, एक बार ऐसे ही स्थान पर उन्हें नहाने के लिए लोगों ने विवश किया। ओके, तो वो नहाने के लिए चले गए। ओके, और जब वो वापस लौटे तो वो बहुत ही बुरी तरीके से कांप रहे थे। ओके, फिर लेखक उनसे पूछते हैं कि कहिए दिल जम गया या बच गया। ओके, तो वो सज्जन लेखक से कहते हैं कि जम कैसे सकता था, हमने वहां पानी लगने ही नहीं दिया। यानी वो नहाए ही नहीं, लोगों ने फोर्सफुली उन्हें भेजा नहाने के लिए, लेकिन वो भी बड़े स्मार्ट निकले, वो तो नहाए ही नहीं थे, ऐसा लेखक कह रहे हैं। तो बहुत सारी यादें हैं जो लेखक को बहुत ही आनंद दे रही हैं, बहुत ही खुशियां दे रही हैं, और ये सारी बातें लेखक हमसे और आपसे शेयर कर रहे हैं। ठीक है, फिर लेखक कहते हैं कि इसी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई आरंभ होती है। ओके, यानी गरुड़ गंगा से पाताल गंगा की चढ़ाई की शुरुआत होती है। ओके, लेखक फिर कहते हैं कि गंगा सचमुच पाताल में है और किनारे का पहाड़ हमेशा टूटता रहता है, पहाड़ जो है ना हमेशा टूट टूट के गिरता रहता है। ठीक है, सड़क के नाम पर पगडंडी या ओके पगडंडी मतलब पैदल चलने वाला रास्ता, ठीक है, इतना नैरो है और टेढ़ा मेढ़ा है जैसे काली भयानक घटा में बिजली की चमक हो। ठीक है, आप इसको समझिए ध्यान से कि पहाड़ के किनारे का जो रास्ता है ना वो इतना नैरो है और इतना उबड़ खाबड़ है। ओके, कहीं बहुत ऊंचा है, कहीं नीचा है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। ओके, और इतना वो संतरा है, इतना वो नैरो है, जैसे इतना मतलब इतना खतरनाक है, इतना डेंजरस है, जैसे क्लाउड जब बादल होते हैं ना रेनी सीजन में, तो बादलों के बीच से बिजली की चमक कैसे हम देखते हैं, कितना वो खतरनाक लगता है। तो इसी तरह का खतरनाक रास्ता लेखक को मिलता है। ओके, लेकिन सुना जाता है कि इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव से विवाह करने के लिए तपस्या किया था। ठीक है, लेखक कहते हैं कि इसी प्रदेश में पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए तप किया था, तपस्या किया था, वर्षों पत्ते खाकर रही थी वो, इसलिए आज भी यह पर्ण खंड या पैखंडा कहलाता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि शिव जी को पाने के लिए पार्वती जी ने इसी स्थान पर वर्षों तक पत्ते खाकर के अपना समय बिताया था। ओके, इसलिए इस स्थान को पर्ण खंड या पैखंडा कहते हैं। ओके, यही कहानियां सुनते सुनते हम जोशी मठ जा पहुंचे, यहाँ से यानी लेखक जोशी मठ जा पहुंचे, यहाँ से बद्रीनाथ केवल 19 मील रह जाता है। ओके, यहाँ आदि संत शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठों में से एक मठ है। यहाँ हमने कीनू अर्थात शहतूत का वो पेड़ देखा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों इसे, लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पर वो कीनू अर्थात शहतूत का पेड़ देखते हैं, जिसके बारे में सुना जाता है कि उसी के नीचे बैठकर प्रतिभा पुंज शंकर ने उपनिषदों पर टीकाएं लिखी थी। ओके, नीचे छोटा सा एक कस्बा है, उसमें भी बहुत सारे मंदिर हैं। इन मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उनमें से कई कला की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा सुंदर हैं। ओके, फिर लेखक कहते हैं कि आगे दो मील की सीधी उतराई आती है जो लेखक को विष्णु गंगा और अलकनंदा के संगम पर विष्णु प्रयाग में पहुंचा देती है। मैं फिर से इसको एक बार रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लेखक कहते हैं कि आगे उन्हें दो मील की सीधी उतराई मिलती है, यानी दो मील वो फिर सीधे नीचे की ओर जाते हैं, जहां उन्हें विष्णु गंगा और अलकनंदा का संगम, यानी जहां पर विष्णु गंगा और अलकनंदा मिलती है, और जिस जगह को हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, वो विष्णु प्रयाग में पहुंच जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा डरावना स्थान है, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ओके, गहरी वैली है, घाटियां हैं। ओके, पर आदमी की श्रद्धा, यानी आदमी का जो श्रद्धा होता है ना, कुछ पाने की जब चाह होती है ना, तो रास्ते इंसान खुद ही बना लेता है और डर उसके मन से निकल जाता है। ओके, तो यही बात लेखक हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितना भी डरावना रास्ता हो, कितना भी भयावह रास्ता हो, लोग
उसी खूबसूरती को देखने के लिए वहां पर पहुंच ही जाते हैं। ठीक है, यात्रियों का कारवां हाफता हुआ, सांस लेता हुआ, कभी अलकनंदा को, कभी पर्वत शिखर को, कभी पीठ पर बोझ उठाए श्रम की प्रतिमा गढ़वाली नारियों को देखता और आगे बढ़ जाता। ओके, रास्ते में बच्चे गा गा कर पाई पैसा मांगते थे। ओके, युवतियां भी मांगती थी पैसा। ओके, पाई पैसा, सुइयां या चूड़ियां। ओके, सारे रास्ते यही देखते आए थे, पर यह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि लेखक ऐसा समझ रहे हैं कि कितनी मुश्किल होती है लोगों को दो पैसे कमाने के लिए इन पहाड़ी इलाकों में। ठीक है, ऐसा लेखक हमसे कह रहे हैं। ठीक है, फिर लेखक हमसे कहते हैं कि वो और उनका दल पांडु राजा द्वारा बसाए गए बस्ती पांडुकेश्वर में नहीं रुकता है, लेकिन उन्होंने एक मंदिर को अवश्य देखा जिसे पांडवों ने स्थापित किया था। ओके, पांडव मतलब आप समझ रहे हैं ना बच्चों, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, ये जो पांच भाई थे ना महाभारत के, उनके बारे में बात की जा रही है। वहां लेखक ने उस शिखर को भी देखा जहां निर्वाण के लिए जाते समय पांडवों ने अंतिम बार चौसर खेला था। ओके, यहां से फूलों की प्रसिद्ध घाटी और सिखों के तीर्थ स्थान लोटपाल का मार्ग जाता है। ओके, वही सब देखते हुए हम लेखक और उनके उनके दल के लोग 2 जून को अंतिम पड़ाव की ओर चल देते हैं। इस रास्ते पर अलकनंदा बार बार तेजी से ऊपर से उतरती है, फिर प्रपात बनाती है, और जब सूर्य की किरण उससे स्पर्श करती है तो न जाने कितने इंद्रधनुष बन जाते हैं। देवदारू के पेड़ भी इधर बहुत ही ज्यादा हैं। यहाँ से हमें कई बार लेखक कहते हैं कि इस रास्ते में वो कई बार बर्फ के ऊपर भी चले हैं। ओके, उसके बाद लेखक कहते हैं कि कंचन गंगा को पार करके कुबेर शिला के पास वो पहुंच जाते हैं। ओके, यहाँ यह वह स्थान है, वो जगह है जहां से यात्रियों को विशाल पुरी के प्रथम दर्शन होते हैं। ओके, फिर लेखक कहते हैं कि तूफान आ रहा था और लेखक और उसके साथी जो है वो पुरी को पहले ही देख चुके थे, फिर भी उन्हें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। मंजिल पर पहुंचने पर रोमांच यानी एक्साइटमेंट हो ही जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप काफी लंबी यात्रा कर रहे हैं, आपको जो जो चीज आप देखना चाहते हैं लास्ट में जब आपको वो मिल जाता है, उसका दर्शन आपको हो जाता है, तो आप में बहुत ही आपके मन को एक तसल्ली मिलती है, एक सुकून मिलता है, एक सेटिस्फेक्शन, एक रिलैक्सेशन मिलता है। तो उसी चीज की बात लेखक यहाँ पर कहते हैं। उसके बाद लेखक बता रहे हैं कि विशालपुरी अलकनंदा के दाहिने किनारे पर बसी है। सवारी को छोड़कर आज के युग की लगभग सभी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। ओके, कमोबेश सारे रास्ते यहाँ मिलते हैं। कहते हैं कि प्राचीन काल में भगवान ने नर नारायण के रूप में यहाँ तप किया था, यानी तपस्या किया था। उसी की याद में अलकनंदा के दोनों ओर के पर्वत नर नारायण कहलाते हैं। कभी यहाँ बेरी का वन हुआ करता था। ओके, बद्री किसको कहते हैं, इसी कारण नारायण यहाँ बद्री नारायण के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, फिर लेखक कहते हैं कि 10,480 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ यह मंदिर कहते हैं आदि शंकराचार्य ने स्थापित किया था। ओके, यानी 10,480 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ ये मंदिर शंकराचार्य ने स्थापित करवाया था। उससे पहले की कहानी अंधकार में है, यानी उससे पहले की हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ खास पता नहीं है। फिर लेखक कहते हैं कि पता नहीं सत्य क्या है, पर वहां की स्थिति देखकर ये इमेजिनेशन की जा सकती है कि न जाने कितनी बार हिम के भयंकर तूफानों ने इस मंदिर को नष्ट किया था और कितनी बार बर्बाद किया था, लेकिन मानव ने बार बार इसको फिर से बनाया है। ओके, वर्तमान मंदिर कला की दृष्टि से कोई महत्व नहीं रखता है, फिर भी इसमें एक गजब का आकर्षण है, एक गजब का अट्रैक्शन है। वह आकर्षण है सरल भक्ति का, प्रकृति के वैभव का। यानी यहाँ जो लोगों में डिवोशन देखने को मिलता है वो अपने आप में अनूठा है, अपने आप में निराला है।
ओके फिर लेखक कहते हैं कि 3 दिन तक हम उस प्रदेश के वैभव को देखते रहे, बद्रीनाथ और नीलकंठ के हिम शिखरों की छाया में और नारायण पर्वत की गोद में अलकनंदा के तट पर बसी यह नगरी 2 मील परे उस पार भारत का अंतिम गांव माना जाता है। ओके रक्त वर्णी निवासी लाल चोंच और लाल पंजों वाले कौवे जैसा पक्षी क्यांगचू 5 मील पर वसुधारा का प्रसिद्ध प्रपात जो उस समय जमा हुआ था, लेकिन इसी कारा निद्रा का वह सौंदर्य उसे और भी प्यारा बना रहा था। उसकी धारा तक पहुंचने में, बर्फ पर चलने में जो रोमांचकारी आनंद लेखक को मिल रहा था, उसे वो अपने जीवन के अंतिम सांस तक कभी भुला नहीं पाएंगे। और भी पवित्र शिलाएं, धाराएं और कुंड लेखक ने देखे, जिनमें से सबसे जो महत्वपूर्ण था वो तप्त कुंड था। इस शीत प्रदेश में इस कुंड का पानी, यानी इस ठंडे प्रदेश में इस कुंड का पानी इतना ज्यादा गर्म है कि सहसा हाथ देने का साहस आपको नहीं हो रहा। मतलब आप ये समझ लीजिए कि एक स्विमिंग पूल टाइप की जगह है, ओके, जहां का पानी इतने ठंडे प्रदेश में इतना ज्यादा गर्म है, ओके, कि आप उसमें अपना हाथ सडन से नहीं डाल सकते हैं, आपका हाथ जल जाएगा। आप इमेजिन कीजिए कि इतने ठंडे प्रदेश में इतना गर्म पानी कहां से आता होगा, उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे की कहानी क्या है, ध्यान से सोचिएगा बच्चों, ठीक है। लेखक कहते हैं कि उसमें वो बहुत नहाए, सोचते रहे न जाने कब यह स्वास्थ्य वर्धक स्थान के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर लेखक ने मंदिरों के में पूजा की, श्रृंगार शयन सभी रूपों में नारायण की मूर्ति के दर्शन किए, हरिजनों को मंदिर में प्रवेश करते देख, भक्तों का गदगद होते देख, ओके, लोगों को इमोशन में यानी भावना में बेहतर के लेखक ने रोते हुए देखा, परंतु उस मुक्त वातावरण में नाद द्वारा ब्रह्मा की उपासना करने वाले एक महात्मा का संगीत सुनकर जो आनंद आया वो शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। समय भी कहाँ है, तब नहीं था सो हमें लौटना पड़ा। लेखक लौट गए। मोटर के रास्ते पर आकर लेखक अपने दिल से इस यात्रा के साथी कुलियों और घोड़े वालों से विदा ली। यात्रा का यह अस्थाई स्नेह भी कितना पवित्र होता है। अब फिर वही मोटर, वही रेल यंत्र, मन फिर वही जाना चाहता है। पर इस पर की कहानी तो आप सब लोग जानते ही हैं। मतलब लेखक कहना चाह रहे हैं कि अब वो इस यात्रा से वापस आ चुके हैं और लेखक का मन फिर वहीं जा रहा है। लेखक का मन कह रहा है कि फिर से वो केदारनाथ और बद्रीनाथ की खूबसूरती में समा जाएं, वो वहां फिर से जाएं, फिर से वहां की प्राकृतिक खूबसूरती को देखें। ओके ये बातें लेखक हमसे कह रहे हैं, लेकिन जिंदगी का यही तो नियम है। आज हम यहाँ हैं तो कल कब हम कहीं और रहेंगे, ओके। हम जहाँ घूमने जाते हैं वहां पर हम अपनी घर गृहस्थी तो नहीं बसा सकते हैं ना, हम वहाँ होल लाइफ तो नहीं रह सकते हैं ना, जीवन भर तो नहीं रह सकते हैं ना, ओके, क्योंकि रोजी रोटी के लिए तो इंसान को कहीं और रहना पड़ता है जहां उसे रोजी रोटी नसीब होती है, जहां उसे एम्प्लॉयमेंट, जहां उसे रोजगार मिलता है। तो लेखक को भी वापस वहां से आना पड़ा, लेकिन लेखक अभी भी उस यादों में, उस खूबसूरती भरी यादों में खो जाते हैं और बार 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 और फिर बार बार वहां वापस जाना चाहते हैं, ओके। और जब भी उन्हें मौका मिलता है वो ये कहते हैं कि वो वहां वापस जरूर जाएंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा, ओके। अगर ऐसा है तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज 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 जरूर से आप इसे शेयर कर देना। थैंक यू।